नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक्साइट सोलर हाइब्रिड यूपीएस एंड इन्वर्टर के बारे में। तो इसमें बहुत सारी अच्छी फैसिलिटी मिलती है, लेकिन दोस्तों आज हम प्रॉब्लम को लेके आए हैं और ये जो दो तीन वीडियो आने वाली है बहुत ज्यादा यूजफुल होने वाली है। लेकिन दोस्तों सबसे पहले बात करें इसमें क्या खास इन्वर्टर में मिलता है, और जो मेरे पीछे आप रेड लाइट देख रहे हैं इन्वर्टर में, सब कुछ लगाने के बाद रेड लाइट जल रही है, तो उसे कैसे ठीक कर सकते हैं। सबसे पहले दोस्तों मैं बात करूं कि ये किस कैसे कैसे वर्क करता है। तो ये नॉर्मली सोलर पैनल से डायरेक्टली आपके घर को इलेक्ट्रिसिटी दे सकता है, या आप ऐसा भी कर सकते हैं कि डायरेक्ट सोलर पैनल से इलेक्ट्रिसिटी ले सकते हैं। मतलब यह है कि आपने सोलर पैनल लगाया और वहां पे कितने पैनल लगाने हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो बताएंगे, थोड़ी सी लंबी वीडियो होने वाली है। तो वहां पे आप डायरेक्टली पैनल से अपने घर पे सप्लाई दे सकते हैं। दूसरी थिंग आती है दोस्तों, ये कभी कभी ये होता है कि घर पे आप दोपहर के टाइम नहीं है, उस टाइम बहुत अच्छी धूप है और वो चार्जिंग कहाँ, तो आप डायरेक्टली अपने बैटरी में स्टोर कर लेते हैं। तो आप बाद में जैसे इलेक्ट्रिसिटी चली जाएगी या बिजली आ रही है तब भी आप सोलर पैनल की सप्लाई यूज करना चाह रहे हैं जो आपने स्टोर कर रखे बैटरी में, वो भी कर सकते हैं, जिससे आपके इलेक्ट्रिसिटी का बिल कम से कम रहेगा। रात के टाइम यही करें आप कि आप मतलब 7-8 बजे के टाइम जो मैक्सिमम लोड होता है वो खत्म हो जाता है, तब सोलर पैनल की सप्लाई है तो बैटरी को फुल डिस्चार्ज कर लो, अगले दिन नॉर्मली सूरज निकलेगा तो फिर चार्ज हो जाएगी। दूसरी चीज आती है दोस्तों कि बात करें कि आप स्टोर करना चाह रहे हैं पावर, अब सोलर बादल है या बात करूं बारिश पड़ रही है, तो उस कंडीशन में सोलर पैनल वर्क नहीं करता, तो वहां पे आप ये कर सकते हैं दोस्तों, जो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई है तो उससे भी इन्वर्टर को चार्ज कर सकते हैं, बैटरी को चार्ज कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको मल्टीपल फंक्शनैलिटी देखने के लिए मिल जाती है, और ये भी है कि इलेक्ट्रिसिटी आ रही है सोलर पैनल वर्क नहीं कर रहा तो आप और बैटरी भी वर्क नहीं कर रही तो ये सप्लाई डायरेक्टली भी शेयर करेगा, लेकिन दोस्तों जैसे ही लाइट जाती है तो उस कंडीशन में डिस्कनेक्ट हो सकता है। अब आते हैं दोस्तों एक्चुअल प्रॉब्लम पे कि क्या थी। तब तक दोस्तों मैं वीडियो प्ले कर रहा हूँ, आप बस एक छोटा सा काम कीजिए, वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलते हैं सीधे प्रॉब्लम पे। तो दोस्तों आप यहाँ पे ये देख रहे हैं, तो यहाँ पे इन्वर्टर पे आप ये देख रहे हैं लाल बत्ती चल रही है, और लाल बत्ती चलने का मतलब ये नहीं है कनेक्शन सब कुछ है हुए है, और कभी कभी ऐसा भी होता है कि आप इस इन्वर्टर को खरीद लेते हैं और डायरेक्टली आप कनेक्ट करते हैं तो उस कंडीशन में ये यार सब कुछ कर लिया, सब फर्स्ट क्लास, प्लस प्लस में जोड़ा था, माइनस माइनस में जोड़ा था, और तब भी इन्वर्टर में रेड लाइट जल रही है। तो सबसे पहले इसी तरीके से बैटरी को निकालें और दोनों तार टच कर लें। दोनों तार टच करने का मतलब यह है कि आप धोखे से आप बैटरी को छू लें या तार को दोनों को मिला दें, ब्लास्ट नहीं होना चाहिए उस कंडीशन में, और आपको करंट भी लग सकता है, तो ऐसा भी कर सकते हैं, वो ज्यादा बेस्ट रहता है। और यहाँ पे दोस्तों ज्वाइंटों पे ना हमेशा या बैसलीन होती है उसका भी यूज कर सकते हैं, या ग्रीस होता है उसका भी यूज कर सकते हैं, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट बनता है। लेकिन दोस्तों हमने दोबारा ऐसा कनेक्शन किया लेकिन तब भी यहाँ पे आप देख रहे हैं तो रेड लाइट जल रही है, उस कंडीशन में दोस्तों हम क्या कर सकते हैं। तो मतलब आप यकीन नहीं मानेंगे, बिल्कुल नया इन्वर्टर खरीदा था, कुछ ज्यादा कुछ खास काम नहीं किया था, लेकिन रिजल्ट क्या रहा वो आप देख रहे हैं। जैसे ही इसे मैंने खुद ही डायरेक्टली कनेक्शन बैटरी से जोड़े और कुछ खास काम नहीं किया, लेकिन क्या अब मैंने सभी कुछ ट्राई किया बैटरी से, ना बैटरी को चार्ज कर रहा था ना उस कंडीशन में, यहाँ पे आप ये देख रहे हैं। तो इस तरीके की लाइट सब कुछ मतलब सब बटन ट्राई करके देखे मैंने, यूट्यूब पे वीडियो भी देखी उस दौरान, क्या कुछ इसमें का कुछ शायद कोई मटेरियल पड़ा, लेकिन यूट्यूब पे कोई मटेरियल नहीं था उस टाइम तक जब तक मैंने इस वीडियो को बना के अपलोड किया यूट्यूब पे। अब बड़ी परेशानी, फिर यहाँ पे इंजीनियर को बुलाया उस कंडीशन में, ये इंजीनियर ही देख रहा है, ये मैं नहीं देख रहा हूँ। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो सभी कुछ हमने कनेक्शन करने की कोशिश की, लेकिन परेशानी सेम थी कि कुछ भी कर लिया रेड लाइट नहीं हट रही थी। मुझे ऐसा लग रहा था, मेरा कोई यकीन नहीं था कि शायद ग्रीन लाइट जलेगी तब बैटरी वर्क करेगी, क्योंकि बैटरी के वोल्ट भी दिखाता है ये इन्वर्टर की, कितने वोल्ट की बैटरी है और कितनी चार्जिंग जा रही है बैटरी में, और आप कितनी सप्लाई इन्वर्टर से मतलब आपने एक्सटेंड कर रखे पूरे घर में, तो उस पे कितना वाट पे चल रहा है। तो दोस्तों बहुत मतलब मल्टीपल इन्वर्टर है, बहुत अच्छा लगा मुझे कि आपको मल्टीपल थिंग देखने के लिए मिलती है। तो यहाँ पे आप ये देखेंगे, अब भाई देखो इंजीनियर का काम था तो वो आया पार्टिकुलर बंदा, मैं बहुत कोशिश कर रहा था यार, एक तो अपनी मतलब अपनी भी रेपो खराब होती है, कुछ अर्जेंट काम था इन्वर्टर से ड्रिल करवानी थी, तो मिस्त्री आया हुआ था घर पे, कह रहा यार इन्वर्टर ले लिया है तो लगा लो इसे, मैं ड्रिल कर लूंगा। अब दोस्तों बेइज्जती हो गई बे सामने कि यार अब यहाँ पे पूरा सब कुछ सेटअप लगा हुआ है, अब कंडीशन क्या है कि मैं कुछ कर ही नहीं पा रहा हूँ, तो उस कंडीशन में भी कभी कभी ऐसा हो जाता है, जरूरी नहीं है। अब यहाँ पे जो इंजीनियर को हमने बुलाया था उन्होंने तार हटाए, क्योंकि सभी कुछ करके देख लिया तो अब रिजल्ट कुछ मिल ही नहीं रहा था, तो यहाँ पे मेरा एक ऑप्शन था, क्योंकि वो इंजीनियर को जहां से हमने खरीदा था वही आ गया था, तो एक सील लगी हुई है कि सील टूट जाएगी तो कोई इफेक्ट तो नहीं पड़ेगा, तो
ये अच्छी है कि मेरी सिटी में जिससे मैंने खरीदा है वो डिस्ट्रीब्यूटर है, और मेनली एक्साइड के पूरे रामपुर में, रामपुर यूपी में वही प्रोवाइड करवाता है, तो इसलिए कोई ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा सील टूटने के बावजूद भी। और सबसे अच्छी बात ये, इस वीडियो में आप इंटरनल पार्ट भी देख लेंगे कि क्या क्या होते हैं इन्वर्टर के, नहीं तो मैक्सिमम ऑफ वीडियो पे नहीं देखने के लिए मिलेगा ये आपको कि इंटरनल पार्ट कोई आपको खोल के दिखाए। तो यहाँ पे जैसे कि आप देख रहे हैं दोस्तों कि आप ऐसा ट्राई ना करें, कभी यहाँ आउट ऑफ वारंटी हो गया या आपको लग रहा है कि नहीं यार अर्जेंट चाहिए, तो थोड़ा सा ऐसा कर सकते हैं चिट को प्यार से या हिटअप करके आराम से निकाल के खोल के चेक कर सकते हैं। और दो ही प्रॉब्लम होती है, अभी मैं आपको डिस्कस करूंगा आगे कि राइट लाइट आपके नए इन्वर्टर में चल रही है तो यहाँ पे क्या हो सकता है। तो यहाँ पे आप ये देख रहे हैं दोस्तों, तो एक बड़ा सा ट्रांसफार्मर है, ये प्योर कॉपर में है, ये हमें ध्यान रखना है, ये पूरा जो सेटअप है पूरा कॉपर में खरीदा है हमने। और यहाँ पे ये जो प्लास से निकालने की कोशिश कर रहे हैं दोस्तों, दो फ्यूज लगे हुए होते हैं जो कि थोड़े से डिजिटल टाइप के हैं, पहले जो आते थे वो बल्ब टाइप में आते थे, लग जाते पता चल जाता था, तो दोस्तों वो कंडीशन भी नहीं होते। स्विच जो जो वो फ्यूज लगे हुए हैं यहाँ पे आप ये देख रहे हैं, ये प्लास से निकाल रहा है, लेकिन दोस्तों एक्चुअली आप ऐसा करें कि प्लास से ना ज्यादा आपने प्रेशर दे टूट भी सकता है, तो उस चीज का भी खतरा। और ये पूरा सर्किट बोर्ड है, और जो सोलर सप्लाई है वो मैं आपको इसमें दिखाना चाहूंगा कि आप एक्चुअली देख भी पाएंगे कि कहाँ से कैसे सोलर सप्लाई जाती है। तो यहाँ पे क्वालिटी की बात करूँ तो दोस्तों ये जो मतलब बिल्डअप क्वालिटी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, बहुत अच्छा है कि पैसा खर्च किया है, दिखता है कि हाँ कंपनी ने इन्वेस्टमेंट अच्छा किया है। बस फ्रंट का आपको प्लास्टिक देखने के लिए मिलता है, लेकिन वेटेज में बहुत ज्यादा है, मतलब मुझे लगता है कि 12 से 15 kg के नियरेस्ट आपको ये इन्वर्टर देखने के लिए मिलता है। जो इसका प्राइस सेगमेंट है जो मैंने खरीदा है वो 6,000 रुपये खरीदा है, लेकिन इन्वर्टर के पीछे ही इस पे प्राइस भी लिखे हुए 9,999 रुपये, डेट मीन 10,000 रुपये इसका प्राइस सेगमेंट लिखा हुआ है। लेकिन दोस्तों मैं आपको डिटेल दूं, ये जो ऊपर वाला सर्किट है ना मेनली वो ही सिर्फ सोलर पैनल को कन्वर्ट करके डायरेक्टली इन्वर्टर में सप्लाई देता है, तो बड़ा मतलब छोटा सा सर्किट है, लेकिन आप देखेंगे तो वो पूरा सोलर पैनल का सिस्टम जितने भी एम्पेयर है उसे मैनेज करता है और फिर आगे डिलीवर करता है, जो कि अच्छी चीज है। एटलीस्ट मालूम चलता है कि हाँ कि जो सप्लाई है वो कंटिन्यू वे में चलती जा रही है। और दोस्तों जैसे कि बात करें यहाँ पे आप ये देख रहे हैं, तो ये पार्ट है वो बहुत ही ज्यादा क्लीन अप है और कुछ अच्छा सेटअप कर रखा है, जरूरी नहीं है घसड़ पसड़ कर देना किसी इन्वर्टर में, तो ये यहाँ पे आपको थोड़ा सा प्राइस हाइक भी मिलता है। और ये भी अब प्रॉब्लम क्या थी दोस्तों, वापिस आते हैं प्रॉब्लम पे, तो जो फ्यूज थे उसमें से दो फ्यूज जो थे वो हटे हुए थे, तो उस कंडीशन में दोस्तों वो मतलब एक फ्यूज जो था वो उड़ा हुआ था और दूसरा वो करेक्ट नहीं कर पा रहा था, तो इसलिए वैसे तो दो फ्यूज लगे हुए होते हैं लेकिन एक्चुअली फ्यूज की प्रॉब्लम थी या एक वायर ना निकली हुई थी इसके अंदर, शायद ऐसा लगा कि वो पहले से ही निकली हुई थी, क्योंकि फ्यूज की गड़बड़ तो मुझे नहीं लग रही थी एक्चुअली कि फ्यूज की गड़बड़ है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था कि जो इसकी वायर है, अभी मैं आपको आगे दिखाऊंगा, ऐसा भी हो सकता है, जरूरी नहीं है दोस्तों, यहाँ पे ये वाली जो वायर है ये जो लगाने की कोशिश की जा रही है, तो यहाँ पे आप ये देखेंगे तो ये फर्स्ट ये फ्यूज लगा रहे हैं, लेकिन दोस्तों कभी भी इतनी आसानी से फ्यूज खराब नहीं होते, आपको ध्यान हो, इसलिए ये फ्यूज अंदर लगाए जाते हैं, क्योंकि फ्यूज ज्यादा खराब होते हैं जिस चीज का फ्यूज का ज्यादा मतलब, ये फ्यूज तभी खराब होते हैं या आप उल्टे तार लगा दें या ओवरलोड दे दें या पावर ज्यादा आ जाए, उस कंडीशन में सिर्फ तीन कंडीशन में ही खराब होते हैं, अन्यथा नहीं होते। लेकिन दोस्तों ये फ्यूज से ज्यादा जो प्रॉब्लम लग रही थी मुझे वो वायर की लग रही थी, लेकिन आप फ्यूज भी चेक कर सकते हैं कि इस कंडीशन में आपके इन्वर्टर के फ्यूज खराब है, या कभी कभी ऐसा भी होता है दोस्तों कि जो इंडिकेटर लाइट है, क्योंकि फर्स्ट मतलब पहले लगा हुआ था तब दूसरे टाइम जोड़ी थी, आप पीछे जाके देखिएगा वीडियो में, जैसे ही तब दूसरे टाइम बैटरी जोड़ा था उस टाइम जल रही थी, लेकिन आप देखेंगे ट्रांसफार्मर के बराबर में एक केबल हटी हुई है जो कि इसे हटाया नहीं गया, ये ऑलरेडी पहले से हटी हुई थी। तो यहाँ पे ये फ्यूज का दिखा रहा हूं मैं आपको, तो यहाँ पे आप डिटेल में देखेंगे तो फ्यूज जो है पूरी तरीके से क्लियरेंस है, और कभी कभी दोस्तों होता है कि बहुत ज्यादा टफ पड़ जाता है लगाना, तो उसी लिए ये थोड़ी सी वीडियो भी लेंथी हो रही है कि मैं एक्चुअली दिखाना चाह रहा हूँ आपको कि पूरी कंडीशन में किस तरीके से वर्क करेगा। तो आप यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, तो ये वाली जो वायर है, ये वाली जो वायर अभी, हाँ ये वायर जो वायर छू रहा है लड़का, तो ये एक्चुअली पहले से ही निकली हुई थी क्योंकि यहाँ निकाली नहीं थी, अब परेशानी ये थी कि उसे लगाएगा, फिर बाद में मालूम चला कि ये एलईडी के अंदर ही लगनी है, तो ये मेन प्रॉब्लम लग रही थी मुझे कि शायद ये मेन प्रॉब्लम है, क्योंकि फ्यूज की प्रॉब्लम होती है तो दोस्तों कुछ भी नहीं आता, फ्यूज मतलब पूरा ब्लैंक, लेकिन
इन्वर्टर पे मैं तब डायरेक्ट सप्लाई दे रहा था, तब वर्क कर रहा था, पावर आ रही थी, लेकिन तब मैं इन्वर्टर पे लेने की कोशिश कर रहा था, तब नहीं आ रही थी। तो आप यहाँ पे ये वाला पोर्शन जरूर देखें कि कभी ऐसा हो जाए, इट्स टू फार, शायद मेरे इन्वर्टर के साथ ही ऐसा हुआ, लेकिन ऐसा कभी हो जाए आपके साथ तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है इस चीज का। और ये प्योर रूप से एक्साइट का इन्वर्टर है। अब आप देखेंगे यहाँ पे ये बैटरी लगाने की करी है और ये प्रॉपर तरीके से ग्रीन लाइट जल गई है। डेट मीन्स ये है कि बस यही एक्चुअली प्रॉब्लम थी इसके अंदर, जो कि ये प्रॉब्लम बहुत ज्यादा लंबी भी हो सकती थी और बड़ी भी हो सकती थी। बड़ी इसलिए हो सकती थी दोस्तों क्योंकि इसे हम अभी ठीक नहीं करते हैं तो बाद में शायद आपको प्रॉब्लम देखने के लिए पड़ सकती थी। तो दोस्तों यहाँ पे आप ये देख रहे हैं तो मतलब बिल्ड क्वालिटी मुझे ज्यादा अच्छी लगी। और एक्चुअली इन्वर्टर में सिर्फ ये दो प्रॉब्लम हो सकती है आपकी, या फ्यूज उड़ सकते हैं या कोई वायर लगने से रह गई है। और मेनली जो मुझे लग रहा था वो वायर लगने से रह गई है, इसलिए एलईडी लाइट नहीं चल रही थी उसकी, और एलईडी कंट्रोल नहीं था उसका। और एलईडी कंट्रोल की वजह से, क्योंकि पावर नहीं जा रहे थे, इनपुट दे रखे थे लेकिन पावर नहीं जा रही थी, इसी वजह से सब कुछ कनेक्टिविटी नहीं आ रही थी डिस्प्ले की, तो इस वजह से वो जो पूरा सर्किट है वो वर्क नहीं कर रहा था। फिर यहाँ पे मैं बात करूँ दोस्तों क्लियरेंस की, या बात करूँ प्रोडक्ट की क्वालिटी की, बहुत अच्छा है, सभी कुछ आपको फैसिलिटी प्रोवाइड करवाता है ये। और इसे ऐसे खोल के ना देखें, तब वारंटी में, और आपका इन्वर्टर में हाँ कोई अर्जेंट काम करना है, तब तो दोस्तों मैंने बताया है कि उसे थोड़ा सा हीटअप करके चीज को हटा के आप खोल के देख सकते हैं, लेकिन उसमें किसी तरीके की ऐसा ना करें कि आप अपने हिसाब से ही वेल्डिंग कर दें, मतलब शोल्डरिंग कर दें, या किसी तरीके की वायर वायर काट दें, तो वो चीज दोस्तों बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं होती उस कंडीशन में। अर्जेंट में आपने खोला है तो दोस्तों खोला ही है, फिर तो कोई बात ही नहीं है। तो यहाँ पे आप ये देखेंगे तो यहाँ पे दोस्तों ये बहुत ज्यादा इजिली चल रहा है, लेकिन आप मत करिएगा, आपको थोड़ा सा सिक्योर रहना है क्योंकि पावर का मामला है, फुल पावर चलती है इसमें, 12 वोल्ट जरूर रहते हैं लेकिन आपको जो शॉक मार सकता है वो 220 वोल्ट तक मार सकता है। तो दोस्तों थोड़ा सा ध्यान रखना है। और जो रिवर्स चार्जिंग के टाइम केबल वेबल सब हटा लेनी है उस कंडीशन में। और यहाँ पे आप ये देखेंगे दोस्तों तो ये अब इन्वर्टर की कंडीशन फर्स्ट क्लास तरीके से नॉर्मल वर्क कर रहा है। अभी मैं आपको ये भी दिखाऊंगा कि मोबाइल जो मेरी मतलब मेन प्रॉब्लम थी वो यही थी, अब ये ग्रीन लाइट हो गई है। पहले मुझे एक्चुअली अंदाजा नहीं था कि ये ग्रीन लाइट ही होनी है या कोई अनदर लाइट लगनी है। तो यहाँ पे आप ये देखेंगे तो कंटिन्यू फर्स्ट क्लास जल रही है अब, और चार्जिंग कंडीशन सभी कुछ डिटेल में दिखा रहा है, ये अच्छा है कि। और तब ये चार्जिंग पे चला जाता है तो नॉर्मल ग्रीन जलती है, जैसे फुल तब बैटरी को चार्ज करने लगेगा तो डार्क ग्रीन जलने लगेगी, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट बनता है, ये अच्छी चीज है। तब इन्वर्टर में डायरेक्टली ग्रीन डार्क ग्रीन लाइट जलने लगे तो एक्चुअली आपको मालूम चल जाता है कि हाँ सब कुछ डिटेल आपको फर्स्ट क्लास देखने के लिए मिली, और आउटपुट भी देख सकते हैं। तो अभी वो फिलहाल शायद जैक लग नहीं पाई थी, लेकिन पूरा 220, 230 या 240 निकाल रहा था। डेट मीन्स ये है कि जो हमारा आउटपुट रिक्वायरमेंट है पूरी तरीके से प्रॉपर आउटपुट दे रहा था। और यहाँ पे आपको कभी इस तरीके की प्रॉब्लम आए तो आप इजिली शूट आउट कर सकते हैं। अब बात करें कि चार्जर की, क्योंकि मैं मोबाइल चार्ज करने के लिए, पहले तो फिलहाल मैंने ड्रिल के लिए, फिर मैंने मोबाइल से चेक करने की कोशिश की, लेकिन आउटपुट हमें नहीं मिल पा रहे थे। तो यहाँ पे दोस्तों आप ये देखेंगे तो अब मेनली मेरा पावर हटा के चार्ज करने का वो था कि चार्ज कर रहा है या नहीं कर रहा है, तो वो लड़का भी हटा रहा है। और यहाँ पे आपकी देखेंगे तब ये हट जाएगी प्रॉपर तरीके से। तो और यहाँ पे ऑन और ऑफ, तब तक आपकी ग्रीन स्क्रीन नहीं चलती इन्वर्टर की, तब तक आप दोस्तों ये मानिए कि ऐसी प्रॉब्लम क्रिएट होती है तो आपको ये सब कुछ स्टेप करना पड़ेंगे। तो दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।